नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपका आरपीसी में सिलेक्शन हुआ है, या अगर होने जा रहा है तो भी आप ये जानकारी ले सकते हैं। और इसमें ये जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि आरपीसी में सिलेक्शन होने के बाद में वो जो फॉर्म भरा जाता है वो टोटल फॉर्म, और उसके बाद में लास्ट में दो पेज होते हैं अटेस्टेशन, वो फॉर्म, कितनी फोटोकॉपी चाहिएगी, पुलिस सत्यापन, मेडिकल कब चाहिए, कितनी जो है डॉक्यूमेंट में ये आपको लगाना है, ये 50 रुपये का पोस्टल ऑर्डर ये कितने लगाने हैं, ठीक है। तो आदि सभी चीज़ों की जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों ये जो मैंने खुद ने भी फॉर्म कई बार भरा है, फर्स्ट ग्रेड इंटरव्यू के लिए भरा था एक बार, सेकेंड ग्रेड के लिए एक बार वेटिंग में रहा तब भी मंगवाया था, और फर्स्ट ग्रेड फाइनल सिलेक्शन, तो 4-5 बार तो मैंने भरा है, और हमारे कोचिंग के स्टूडेंट्स और परिचित उनका भी भरवाते हैं, तो करीब 50 या 100 के बीच में लगभग फॉर्म भरवा दिए हैं। तो मैंने सोचा कि भाई ये जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपको सबसे पहले जो है आरपीएससी की वेबसाइट खोलनी है, और ये आप आरपीएससी लिखेंगे गूगल पे तो आरपीएससी आ जाएगी, या तो ई मित्र वाला आपको निकाल के दे देगा, ई मित्र या कंप्यूटर वाला, या आप चाहो तो घर पे भी जो है इसको निकाल सकते हो, देख सकते हो घर पे भी इसको, ठीक है। अब इसमें आपको कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन और इम्पोर्टेंट डाउनलोड ये करना है, आपको क्लिक करना है इस पर कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन में, इम्पोर्टेंट डाउनलोड में। अब इसके बाद हम बात करते हैं आगे, ये जो 3 नंबर बिंदु है डिटेल्ड एप्लीकेशन कम सिक्योरिटी फॉरम, इसमें आपको ये जो है ना डिटेल्ड फॉरम ये है, इसमें आपको डाउनलोड पे दबाना है, तो इस पर क्लिक करते ही आपके सामने जो है ये फॉरम खुल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चाहिए। तो पहली बात कि आपका सिलेक्शन हो गया है तो आपको मेडिकल और पुलिस सत्यापन अभी नहीं करवाना, वो आपको करवाना है ज्वाइनिंग के वक्त। और ये जो फॉर्म है वो चाहे आरएस, एचएम, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी के जो भी एग्ज़ाम है उसमें सिलेक्शन के समय ये फॉर्म होता है, तो ये तो यहाँ निर्देश वाला है प्रपत्र। और यही फॉर्म आपको दोस्तों पीडीएफ के रूप में भी मैं उपलब्ध करवा दूंगा, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ के रूप में होगा, तो आप सीधा क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अभी निर्देश आप पढ़ लेना, आपको करना क्या है, आपको जैसे ये तो ऊपर है निर्देश, 50 रुपये का पोस्टल ऑर्डर आपको लेना है, वो एक ही लेना है, दो नहीं लेने, ठीक है, जिस पे आपको लिखना है सचिव आरपीएससी, उस पे लिखा रहेगा आपको। आवेदन पत्र भरने की जानकारी, तो इनको आप पढ़ भी सकते हैं पर फिर भी महत्वपूर्ण तो चीज़ें हम देखेंगे, और पूरा फॉर्म जो आपको भराने की प्रोसेस में बताऊँगा भरने की। तो इसमें देखो मेन क्या है, स्वयं के हस्तलेख में कोशिश करें कि आप खुद ही लिखें, आपकी राइटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है तो आप किसी साथी से भी लिखवा सकते हैं, मगर कोशिश करें स्वयं के हस्तलेख में, और काट सांट कम से कम हो, अगर किसी रेयर केस में हो जाए तो आप वाइटनर लगा के कर सकते हैं, और सारी सूचना पूर्ण और स्पष्ट हो, जैसे कैपिटल लेटर में हो या शुद्ध हिंदी में, और कोई भी बिंदु खाली नहीं रहे, या तो उसमें क्रॉस लगाओ या नील लिखो। और इसके अलावा आवेदक का देखो मुख्य चीज़ क्या है, हस्ताक्षर रहित, अगर आपने कहीं भी हस्ताक्षर छोड़ दिया ना दोस्तों तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा, उसमें हस्ताक्षर आपके ज़रूर करने हैं। आवेदन में प्रविष्टि के लिए प्रार्थना पत्र, अब आप सुधार के लिए कोई प्रार्थना पत्र दो वो नहीं है मान्य, और आपको जैसे सारे शैक्षणिक योग्यता बताऊंगा मैं आपको कौन कौन से चाहिए वो आपको इसमें लगाने हैं, विशेष छूट लाभ जो है इसमें सब हस्ताक्षरित, आजकल फोटोकॉपियाँ जो है ना वो अटेस्टेड नहीं चाहिए, खुद के साइन कर दो, नीचे लिख दो सेल्फ अटेस्टेड या स्व हस्ताक्षर या केवल साइन ही कर दो चल जाएगा, ठीक है। और पासपोर्ट साइज की फ़ोटो नवीनतम लगाएं, ये नहीं कि आप बच्चे की लगा दो, मतलब आप छोटे थे बच्चे तब की लगा दो, यानी विज्ञापन की डेट के बाद का, ताकि ताज़ा लगे, मतलब उसमें फ़र्क नहीं आए। और एक से अधिक आवेदन पत्र नहीं भेजना है, एक ही भेजना है एक बार के लिए, नवीनतम फ़ोटो आदि के साथ में, अंतिम दिनांक तक किसी भी माध्यम से, देखो व्यक्तिगत भी जा सकते हैं आप आरपीएससी, और रजिस्टर्ड डाक से भी भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप मान लीजिए आप दूर दराज से हैं, अब कोई डूंगरपुर, बांसवाड़ा है, कोटा है, आजकल साधन नहीं है, गंगानगर कैसे जाएगा, तो आप रजिस्टर्ड डाक कर दो, स्पीड पोस्ट शायद लेते हैं या नहीं लेते, रजिस्टर्ड डाक जो है 3 या 2-3 दिन में पहुंच जाती है, आपके पास उसकी स्लिप होती है, सबूत होता है आपके पास में, आप भरने के बाद में से इसकी एक फोटोकॉपी निकाल के भी रख लें अपने पास में, किसकी, पूरे फॉर्म के, जैसे मेरे पास में फाइल में सारे फॉर्म पड़े हैं आज तक जितने भी भरे हैं वो, तो पहुँच जाना चाहिए। और व्यक्तिगत अगर समय है तो पहुँचा सकते हो, मगर अभी साधन कम है लॉकडाउन में, तो आप डाक से भेज दें, कोई दिक्कत नहीं है, पहुंच जाता है वहाँ। और एक चीज़ ध्यान रखें, आप सोचते हैं कि व्यक्तिगत जाएंगे और फिर वहाँ से हम पावती लेके आएंगे, कोई नहीं देगा वहाँ पावती,
सीधे वहाँ खिड़की है उसमें जमा करा दो, रख दो, वापस आ जाओ घर पे। तो उसके बजाय तो रजिस्टर्ड वाला जो है ना, उसमें कम से कम आपके पास सबूत तो होता है और निर्धार दिनांक के बाद में स्वीकार होता नहीं है। अब देखो प्रमाण पत्र क्या क्या लगाने हैं, जैसे शैक्षणिक जो है अभी पूरे बता देंगे आपको, 10वीं 12वीं, ठीक है, स्नातक BA BCOM, फिर फर्स्ट ग्रेड का भर रहे हैं तो आपको PG MA MCOM MSc, और एजुकेशन टीचर वाला है तो BEd तो कंपलसरी है। तो ये सारे प्रमाण पत्र एजुकेशन के हो गए। योग्यता संबंधी आपको भरने हैं। एक चीज़ जैसे अभी पूरी लिस्ट और अपन देख लेंगे आगे, और योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र जो है वो अंक तालिका वो भी सब हस्ताक्षरित हो जाएगी। अब मान लो आप अगर स्नातक या BA या मान लो BEd आपकी चल रही है, कोई ऐसी कई परीक्षाएं होती है जहाँ APR उसको भी ले लेते हैं, मान लेते हैं, तो आपको वहाँ के प्रिंसिपल से सिग्नेचर करवाने हैं संस्था के। और मान लीजिए आपके पास डिग्री नहीं है, मान लीजिए आप MA हैं हिंदी से मगर MA की डिग्री नहीं है, तो क्या करेंगे, तो आप प्रोविजनल डिग्री आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है। और विवाह प्रमाण पत्र भी ज़रूरी है। अब विवाह प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ, अब आप सोचेंगे अब कैसे बनाएं, तो आपको शपथ पत्र यानी कोई भी डॉक्यूमेंट आपका कम रह गया और वो भी है नहीं आपके पास में, तो अब वो बन तो सकता नहीं 2, 4, 5, 10 दिन में, तो आप फिर उसका एक शपथ पत्र जो है 10 रुपये का, उस पर आप लिख सकते हैं एफिडेविट कि भाई मेरे पास ये फला फला डॉक्यूमेंट नहीं है, 1, 2, 3 विवाह प्रमाण पत्र नहीं है, ये प्रोविजनल अभी है नहीं और लॉकडाउन की वजह से ये स्थिति है, और मैं निश्चित रूप से आने वाले समय में इनको जमा करवा दूंगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, चल जाता है रेयर केस में। आयु का प्रमाण पत्र आपके जो 10वीं वाली मार्कशीट है ना, वो उसमें अंकों में लिखी रहती है और उसी का एक बोर्ड सर्टिफिकेट और आता है। छोटी मार्कशीट है तो अलग से आएगा, और मार्कशीट आपकी A4 साइज़ वाली है तो उसमें नीचे लिखा हुआ है, यानी अंक शब्दों में भी लिखा रहेगा, जैसे मान लीजिए 15 जुलाई 1994 तो वो मान्य है, तो जन्मतिथि के लिए सबसे ज़्यादा। आयु संबंधी छूट जो है वो आपको इसमें लिखा हुआ, आप पढ़ लेना, ठीक है, हम सारी चीज़ें नहीं देखेंगे। और सेवारत इसमें आप और देख सकते हैं, जैसे विवाह संबंधी जैसे थोड़ा और देख लेते हैं इसमें। विवाह संबंधी प्रमाण पत्र ज़रूरी है, तलाकशुदा है तो भी ज़रूरी है, अनुभव प्रमाण पत्र HM आदि के लिए वो ज़रूरी होता है, ठीक है। निःसक्तता, ये एक पेज अभी चला गया था, आयु संबंधी हो गया इसमें, और इसके अलावा आयु गणना, ठीक है, आपको अगले वर्ष 1 जनवरी, ठीक है। आयु में क्या होता है, मान लीजिए 2019 में विज्ञप्ति आई कभी भी किसी में, तो उसमें होता है 1 जनवरी 2020 तक आपकी आयु इतनी हो जानी चाहिए, कितनी वही मिनिमम शायद 21 वर्ष, अधिकतम 35, अब 40 कर दिए एजुकेशन वगैरह में, और प्रत्येक वर्ग को अलग अलग छूट है, वो आगे लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। तो वो आयु की गणना भी कैसे करेंगे, वही आपको भी फॉर्म अपन भरेंगे, देखेंगे उसमें बता देंगे, ठीक है। स्थायी कर्मचारी को चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में है ना तो चरित्र प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, और अगर आप जॉब में नहीं है तो आपको देना पड़ेगा, और आप जॉब में है तो वहाँ से आपको प्रिंसिपल या जो अथॉरिटी है उससे आपको लेना पड़ेगा सक्षम अधिकारी द्वारा कि वो इस जॉब में सेवारत है, सेवारत का, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र हो ही जाएगा, ये इसके द्वारा सभी बना रखा होगा, जनरल वालों को आवश्यकता नहीं है, AWS की ज़रूरत पड़ेगी अभी। निःसक्तता प्रमाण पत्र, ये अगर कोई विकलांग दिव्यांग, विवाह संबंधी सेवारत का, ठीक है, और इसके अलावा राष्ट्रीयता, यात्रा भत्ता, ये तो नियम छोड़ो इनको, ठीक है। अब हम आ जाते हैं फॉर्म पे। तो एक तो आपको फ़ोटो हस्ताक्षरयुक्त, यानी केवल आपको हस्ताक्षर करने हैं आधे यहाँ पे और आधे फ़ोटो पे, यानी यहाँ से शुरू करके आधे फ़ोटो तक आ जाने चाहिए, ठीक है। और बाकी अटेस्टेड नहीं करवानी है, और आवेदन की प्राप्ति थी कार्यालय की प्रविष्टि के लिए, यहाँ आपको 50 रुपये का पोस्ट ऑर्डर यहाँ तो क्या लगेगा, वो साथ में ऊपर या नथी करना है उसको, ठीक है। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, ये फॉर्म जो है इसमें लगभग 5-6 पेज है, तो इसके 2 सेट आप निकलवा लेना, दुकानदार को कह देना 2 निकाल दो, ठीक है, तो 2 सेट निकाल देगा, दोनों को ही आप इनको भर देना, और आपकी फोटोकॉपी है वो भी 2 निकालना, जैसे 10वीं की भी 2, 12वीं की 2, ठीक है, 2 सेट तैयार कर दें, मगर पोस्टल ऑर्डर एक ही लेना है, दूसरे वाले में उसकी फोटोकॉपी लगा देना। पोस्टल ऑर्डर का एक साइड का हिस्सा होता है वो आप अपने पास रख लेना, आपके पास भी नंबर रह जाएंगे और RPC के पास भी चला जाएगा, उसका एक हिस्सा होता है जो फाड़ के रखना होता है घर पे। देखो आवेदन द्वारा 2 प्रतियों में भरा जाए। अब रोल नंबर आ गए यहाँ पे, ठीक है, और रोल नंबर आपको लिखने हैं परीक्षा वाले आवेदन पत्र के क्रमांक जो आपने भरा था ऑनलाइन, पढ़ा होगा आपके पास मिल जाएगा,
नहीं तो आरपीसी की एक वेबसाइट और है उसमें मिल जाएगा, मेरिट क्रमांक जो अभी डबल है तो डबल वाले भी आप लिख सकते हो। पोस्टल ऑर्डर के नंबर यहाँ लिखने हैं, नीचे होते हैं उसके, वो विज्ञापन संख्या लिखनी है। अब आप हिंदी से हुआ है तो हिंदी, हिस्ट्री से हिस्ट्री, जो भी हुआ है ये भी आपको आरपीसी पे मिल जाएगा एडवर्टाइजेज में। पद कोड, वो क्रम संख्या होती है ना, 1 2 3 4 5, मान लीजिए 5 नंबर पे हिंदी है तो वो। पद का नाम, व्याख्याता, HM, वरिष्ठ अध्यापक। विभाग का नाम, शिक्षा विभाग या और भी बहुत सारे विभाग होते हैं तो सभी की करवाता, तो ये फॉर्म ये एक ही है। फिर यहाँ आरक्षण वर्ग है, इसमें आपको जहाँ मान लीजिए आप है वहाँ नीचे हाँ लिखना है या राइट का टिक लगाना है। मूल निवास, राज्य, जिला, तहसील। मूल निवास मान लीजिए आपका अलग है, जन्म स्थान अलग है, हो सकता है ना, मान लीजिए मूल निवास आप राजस्थान में रह रहे हैं कई सालों से और जबकि जन्म आपका मान लीजिए तमिलनाडु में हुआ, तो आपको जो भी हुआ जो सही सही लिखना है, इसमें गलत आपको कहीं नहीं लिखना है, कोई नुकसान नहीं होना इससे। देखो कॉलम में हाँ भरना है, शेष में क्रॉस लगाना है, ठीक है, क्रॉस का चिन्ह लगाते जाएँ। महिला, तो अब आप महिला है तो विवाहित है कि अविवाहित है तो वहाँ हाँ लिख दो, बाकी में क्रॉस लगा दो, ठीक है। आवेदक का पूरा नाम हिंदी में, श्री श्रीमती लिखा हुआ है केवल नाम लिखना आपको, अंग्रेजी में ABCD में। पिता का नाम, माता का नाम, आवेदक की जन्म तिथि, विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आयु। अब ये क्या होता है, ये होता है मान लीजिए 1 जनवरी 2020 को आपकी कितनी आयु है, तो आपकी मान लीजिए आपका जन्म है 5 जुलाई 1990, तो एक तो गणित में रीजनिंग में आप आता है सीधा उसको घटाओ और राशि लगा के वैसे, या तो YouTube पे वीडियो देख के वैसे कर लेना, नहीं तो आप सीधा देसी तरीके से कर लो कि आपका 5 जुलाई 1990 को जन्म हुआ तो 5 जुलाई 2020 को आप कितने हो रहे हैं, आप हो रहे हैं 30 साल के, 10 20 30 साल के। अब आपको जनवरी यानी 4 महीने पहले का पता करना है तो 30 में से 4 घटा दो यानी आप 29 वर्ष और 8 माह के हो गए। अब आपकी तारीख है 5 और इसमें पूछ रहा है 1 जनवरी तो 4 दिन और घटा दो तो 7 माह है, 26 दिन हो गए यानी 8 माह में से चला गया। तो इस तरह से आप देसी तरीके से भी सीधा सीधा निकाल सकते हैं, यानी एक तो आप अपना एक्यूरेट निकालो कि आप सीधे 20 साल 25 साल 30 साल 21 साल के उस तारीख को हो रहे हैं, फिर आप धीरे धीरे उसमें से 3 4 महीने वो कम कर लो। नागरिकता हो गई, वैवाहिक स्थिति, ठीक है, विवाह वितरण विवरण ये आपको लिखना है, विवाह का पंजीयन अगर नहीं कर रहा रखा है तो मैंने आपको बता ही दिया कि अब इतना जल्दी हो नहीं पाएगा तो आप शपथ पत्र लगा दें कि मैं जल्द ही प्रमाण पत्र बना लूँगा, अभी मेरे पास नहीं है, मैं विवाहित हूँ, और नहीं है तो कोई लफड़ा ही नहीं है विवाहित। आप संतान का लिखना आपको, ठीक है, नाम, बच्चे का जन्म दिनांक। अब कई बार ये होता है कि मान लीजिए बच्चा छोटा है, ये नाम रखा ही नहीं अभी उसको घर पे, तो बाबू बुल्ली, ठीक है, गुड्डू, इस तरह से बोलते हैं उसको, गुड़िया है ना, बेबी, तो आप क्या करेंगे, तो जो भी नाम है वो एक बार लिख दे बोलेंगे क्योंकि ये कोई अंतिम नहीं है, ठीक है। और जन्म दिनांक जो एक्यूरेट आपको उसके बच्चे की जो है वो आपको वहाँ लिख देना, और संतान की संख्या 2002 से पूर्व 2 के पश्चात लिखना आपको, ठीक है। पत्र व्यवहार का पता, पत्र व्यवहार का पता यहाँ आपको लिखना है, मान लीजिए आप अभी फ़िलहाल कहाँ रह रहे हैं वो एड्रेस जहाँ आपके पास आ सकें और स्थाई पता वो लिखना है, दोनों सेम ही है तो डू कर सकते हैं या दोबारा उसको उतार सकते हैं। अब देखो ये शैक्षणिक योग्यता, ठीक है, अब मैट्रिक का मतलब 10वीं जो है 10th, उसमें प्राप्तांक कितने 550 या जो भी, उसमें से कितने आए, कुल अंक कितने आए, प्राप्तांक कितने आए, ठीक है, प्राप्तांकों का प्रतिशत, श्रेणी फर्स्ट सेकंड थर्ड, वर्ष किस साल में की, मार्कशीट के ऊपर लिखा रहता है। ऐच्छिक विषय याद कर देना सामान्य, क्योंकि 10वीं में सभी के एक जैसे होते हैं तो सामान्य। कोर्स की अवधि 1 साल 1 वर्ष। बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम तो यहाँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। प्रयास 10वीं कितने प्रयासों में हुई तो 1 में तो 1। फिर हायर सेकेंडरी इसी तरीके से, ठीक है, कोर्स की अवधि 1 साल। BA कोर्स की अवधि क्या हो जाएगी, 3 साल का होता है ना BA, BSc BCom, ठीक है, तो ये आपके यहाँ बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम। और फिर MA, फिर BEd, फिर नेट सेट कर रखी है तो उसमें आपको उसके प्राप्तांक वगैरह नहीं होते तो सीधा RPSC और उत्तीर्ण से लिख देना। अन्य कोई डिप्लोमा उपाधि, PhD है, MPhil है, या मान लीजिए RSCIT है, NCC है, तो आप यहाँ 2 3 लिख सकते हो। अब आपके पास बहुत ज़्यादा है तो जो मेन आपको लगे वो लिख देना। उनका फिलहाल कोई लाभ नहीं मिलना है, कुछ में मिलता है जैसे RS है तो उसमें NCC का मिलता है, सब इंस्पेक्टर में मिलता है, कंप्यूटर का कहीं जरूरत है वहाँ मिलता है, मगर अब टीचिंग वाला तो उसमें कोई अलग बेनिफिट नहीं मिलना आपको, फिर भी आप कोई उल्लेख कर सकते हैं। इंटर्नशिप अगर आपकी चल रही है, मान लीजिए कोई आप अंडर ट्रेनिंग है तो उसका लिख सकते हो। रजिस्ट्रेशन, संस्था का नाम,
मेडिकल काउंसलिंग इनके लिए है ये, तो इसमें डैश डैश कर देना, नील कर देना, क्रॉस लगा देना, सीधी लाइन खींच के बीच में नील लिख दिया और इधर लाइन खींच दी। पद हेतु आवश्यक अनुभव प्रमाण पत्र, ये जैसे HM का अगर आप दे रहे हैं तो उसमें ज़रूरी है, तो आपने कहाँ कहाँ से लिया संस्था, संस्था अनुभव अवधि, और इसके अलावा और भी आप यहाँ अनुभव जोड़ सकते हैं कि आपने भिन्न भी कार्य किया है, तेरा दया, जैसे मान लीजिए यहाँ ये काम किया, इसके अलावा आपने एक दूसरे स्कूल में काम किया, दूसरे ऑफिस में काम किया, तो वो जहाँ अनुभव मांगते हैं ना वही काम का, नहीं तो आप इसको भले ही, अब जैसे ये फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड इनमें अनुभव का कोई मतलब नहीं है, तो इसमें आप सीधा नील भी कर सकते हैं, और अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो उल्लेख भी कर दीजिए, ठीक है। अब संलग्न संख्या, यदि आप विज्ञापन के अनुसार अधिक आयु में सीमा में छूट चाहते हैं तो प्रमाण पत्र सहित संबद्ध प्रावधान का उल्लेख करें जिसमें आप आयु सीमा में छूट करने के अधिकारी है, तो संलग्न संख्या तो यहाँ आप लिख देना, एक चीज़ लगाइए, दो चीज़ लगाइए। अब आपको कोई विशेष पुरस्कार मिला है तो आप लिख सकते हैं उसका प्रमाण पत्र कितने लगाए आपने, दो तीन चार, ठीक है। ये PhD वगैरह कॉलेज लेक्चरर हो उनमें हो तो उसमें लग सकते हैं। यदि कहीं कोई दंड वगैरह मिला है तो भी उसको लिखना है, भगवान ना करे ऐसा हो, ठीक है। अब यहाँ ध्यान रखना है कि ये कर्ता करती, इसमें से एक को काट देना, एक तो दूसरा अपने आप से ही रह जाएगा, ठीक है, रहा हूँ या रही हूँ, लड़का लड़की के हिसाब से। स्थान जहाँ आप लिखा है स्थाई निवास, जैसे मान लीजिए सुजानगढ़ मैंने लिखूँ तो इस तरह से आप जयपुर जो भी है जिला है वो स्थान लिख सकते हो, शहर। हस्ताक्षर आपको करने हैं ऊपर वाली साइड में, ठीक है। और अब ये संलग्न सूची है तो आपको यहाँ लिखना है, जैसे देखो जारी क्रमांक व दिनांक, जैसे मान लीजिए मैट्रिक है तो उसके ऊपर लिखा रहता है, नीचे लिखा रहता है दिनांक, नीचे लिखा रहेगा दिनांक और क्रमांक रहेंगे ऊपर, जैसे 0, 4, 5, 6, 7, 8। तो इनसे क्या होता है दोस्तों, RPC फिर अपने स्तर पर क्रमांक के आधार पर, हालांकि उनके पास फोटोकॉपी भी होती है, तो मिलान करेगी कि क्या वास्तव में आपने 10वीं की है। राजस्थान से तो ज़्यादा लफड़ा नहीं है। अब मान लीजिए मणिपुर लिख रखा आपने BEd 12वीं मणिपुर या जम्मू कश्मीर, तो वहाँ इनकी टीम जाती है और चेक करती है, और 5 साल बाद भी 10 साल बाद भी आपके फर्जीवाड़े का खुलासा हो सकता है। तो फर्जीवाड़े से तो बचना ही है, कहीं नहीं बचवा, यानी आपको बचना है, आप अगर किया है तो ओपन हो ही जाएगा। इसलिए साफ साफ लिखें सब कुछ जो भी है, क्रमांक दिनांक लिख दो, संलग्न संख्या, संलग्न मतलब मैट्रिक के लगाइए तो एक ही लगाइए आपने, एक। उपाधि प्रमाण पत्र मैट्रिक के साथ ही है, कईयों में तो क्या होता है अलग आता था, और आजकल क्या साथ ही आता है, जैसे नीचे ही वो प्रमाण पत्र भी लिखा रहता है 10वीं का, तो यहाँ आप डैश कर देना। और अलग है, जैसे मान लीजिए मेरा अलग है, जैसे मेरी मार्कशीट छोटी सी है और प्रमाण पत्र वो थोड़ा अलग है A4 साइज में, तो वो यहाँ अलग हो जाएगा, नहीं तो डैश कर देना। ऐसे ही हायर सेकेंडरी तो उसके लिख दिए, साथ में है तो साथ ही आ जाएगा, अलग है तो अलग आ जाएगा। अंक पत्र BA तो BA का लिख दो स्नातक में, जो फाइनल की मार्कशीट है या फाइनल की मार्कशीट का। और संलग्न संख्या 3, क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल तीनों आप लगाओगे, तो यहाँ तीनों के नहीं आ पाएंगे तो फाइनल वाले लिख देना, क्योंकि जगह छोटी है ना ये। अब है उपाधि, तो BA की उपाधि आपको लानी है। अब आप कहेंगे हम तो लाए नहीं, तो प्रोविजनल ले आओ, क्योंकि उपाधि कई बार लेट आती है, तो वो उसका लिख देना आपको। अंक पत्र अधिस्नातक MA, ये फर्स्ट ग्रेड के लिए ज़रूरी है, तो उसकी मार्कशीट और नीचे उसकी उपाधि, उपाधि नहीं तो उसकी प्रोविजनल ले आओ, ये आवश्यक है। अब आप फिलहाल लॉकडाउन की वजह से, हालांकि अब तो स्थिति सामान्य हो गई, मगर फिर भी आप अगर किसी कारण से आप नहीं जा पाते अभी वर्तमान में कि यूनिवर्सिटी बंद है, क्या करें, स्टाफ नहीं है, तो आप शपथ पत्र दे सकते हैं उसका रीज़न उल्लेख करके। अनुभव प्रमाण पत्र, अब ये कोई आवश्यक नहीं है, इसमें जहाँ आवश्यक है वहाँ लिख सकते हैं। अन्य अन्य में आप यहाँ 2-3 क्रमांक, NCC, कंप्यूटर या कोई PhD, NET वो कोई लिखो तो आप लिख सकते हो, ठीक है। कार्यालय टिप्पणी, ये आपको कुछ नहीं करना, इसमें देखो वो क्या चेक करते हैं कि सूचना का संलग्न अभिलेखों के प्रति से मिलान कर लिया गया है और सही पाया गया है, निम्न कमी पाई गई तो आपको लिखेंगे, और आपके पास मैसेज भी आ सकता है अगर कोई कमी होती है तो। हस्ताक्षर शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र, अब मान लीजिए अगर आप कोई डिग्री कर रहे हैं, अभी फाइनल है आपका MA BA BEd और RPC अलाउ कर दिया आपको कि भी फाइनल वाले भी अलाउ है, हालांकि फिलहाल तो ये सिस्टम है कि ये जो टीचिंग वाला है और इनमें तो कि फॉरम की आती है ना लास्ट डेट, वहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, मगर कुछ एग्ज़ाम है, जैसे मान लीजिए आप SAT दे रहे हैं या और दे रहे हैं, तो उसमें MA करता हुआ भी दे सकता है, PG करता हुआ, तो वहाँ आप फाइनल ईयर में हैं तो आपको यहाँ लिखवा के और जिस जहाँ से आप कर रहे हैं वहाँ संस्था प्रदान के करवा सकते हो। संस्था प्रदान नहीं मिले तो आप राजपत्रित अधिकारी, जैसे आजकल मेरे पास भी आते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, आप सबकी दुआओं से
राजपत्रित अधिकारी के रूप में हस्ताक्षर करते हैं आजकल, और दुआ करते हैं आप भी करोगे जल्दी। ठीक है, तो आवेदक के हस्ताक्षर हो जाएंगे यहाँ पे, और अभ्यर्थी की चेक लिस्ट। अब ये आपके लिए देखो कि आपने शैक्षणिक योग्यता जो ये बताई गई है विज्ञप्ति में, तो आपकी आयु उसके अनुरूप है क्या, तो आपको करना है सर्वथा अनुरूप, टिक करना है। अब उससे भिन्न है किंतु समकक्ष है तो यहाँ टिक कर दो। आवेदन की अंतिम तिथि को अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्राप्त थी क्या, तो आवेदन की अंतिम तिथि जिस दिन फॉर्म लास्ट भरा गया तो आपके पास कंप्लीट हो गई थी तो टिक कर दो, नहीं हुई बाद में हुई तो यहाँ टिक कर दो। जो भी ओरिजिनल स्थिति है वो आपको करना है, इनको आप पढ़ के आराम से कर सकते हो। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता परीक्षा की तिथि तक उत्तीर्ण इजीली आराम से पढ़ो, हो जाएगा। अब आप किस श्रेणी में है, जैसे आवेदन और प्रवेश पत्र पर अंकित अपनी श्रेणी में ही है या उससे भिन्न श्रेणी में है, कई बार क्या भूल हो जाती है, आप है ओबीसी के, प्रवेश पत्र में जनरल छप गया, आप परीक्षा पे दिया है पता ही नहीं चला। मेरे एक परिचित के साथ हुआ था, सिलेक्शन हो गया गणित से सेकेंड ग्रेड में, और वहाँ कैटेगरी कुछ और लिखा हुआ था, वो कौन सा TSP। अब लफड़ा हो गया, बहुत चक्कर काटने पड़े RPSC के। तो इसलिए आप चेक कर लें फॉर्म भरने के बाद प्रवेश पत्र पे भी कि आपने जो फॉर्म भरा वो सही है ना, क्योंकि एक छोटी सी गलती आगे बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती है, और विशेषकर तब जब सिलेक्शन हो जाए तब। और आरक्षित श्रेणी में है क्या, तो ये सब आप इसमें मूल निवासी है कि नहीं है, तो ये आपको टिक लगाने आराम से, अनुभव भी इसमें कोई कठिनाई नहीं है। ठीक है, ये देखो अभ्यर्थी की विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आयु क्या है, वही बात है आपको। मान लीजिए 1 जनवरी 2020 को आपकी कितनी आयु हो रही है, तो आपको वो लिखनी है, और ट्रिक मैंने आपको बताई दी कि सीधे देसी तरीके से जोड़ लो, और या फिर रीजनिंग के हिसाब से। विज्ञप्ति में न्यूनतम, जैसे मान लीजिए 21, अधिकतम 35, ये लिखा रहता है विज्ञप्ति में, लिखा मिल जाएगा आपको, ज़्यादातर यही होती है। और राजस्थान सरकार ने एक वो कानून पारित कर के अधिकतम 40 कर दिए है। और अभ्यर्थी स्वयं को किस श्रेणी में मानता है, तो आप OBC, जनरल, SC, ST को लिख देना। आयु सीमा में आप छूट चाहते हैं तो आपको इस तरह से छूट मिल सकती है। मान लीजिए आपकी आयु ज़्यादा हो रही है परंतु आप पिछड़ा वर्ग है, जनजाति, अनुसूचित जाति के हैं, तो आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी, और आप यहाँ टिक लगा दें कि भी मुझे इसकी आवश्यकता है। अगर आप राजस्थान की महिला है इनमें से, तो आपको 10 साल की छूट मिलेगी, आप यहाँ टिक लगा दें। सामान्य वर्ग की महिलाएं 5 साल की मिलेगी, यहाँ टिक लगा दें। तो आप समझ गए होंगे, अगर आवश्यकता है तो उसके सामने टिक लगा दो, और नहीं है आवश्यकता, आपकी आयु पूरी है, मतलब 35 से आप छोटे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। विज्ञप्ति में और देख लेना 35 है कि 40 है। ठीक है, विज्ञप्ति भी आपको RPSC की वेबसाइट पर मिल जाएगी। ठीक है, इनमें कोई इतना और खास नहीं है, हस्ताक्षर आप देख लेना, आवेदक के कर देने हैं आपको। ठीक है, अब जैसे एक वो था, अब आप कह दें कि भाई हम तो MA हमारी कंप्लीट हो गई PG, और फिर हम यहाँ हस्ताक्षर करें कि नहीं करें, जैसे ये था ना अभी एक, तो वहाँ पे ऐसी स्थिति में आपको, अब जैसे ये है, ये घोषणा पत्र है, ये वाला, कि अब आप कहेंगे कि भाई हमारे पास तो ये, तो इसकी आवश्यकता ही नहीं हमें, तो आप इधर 2 लाइन खींच के बीच में नहीं लिख दो, और यहाँ आपने साइन कर दो, भले कोई दिक्कत नहीं कि भाई हमने इसको पढ़ लिया है, मेरे पे ये लागू नहीं है, और आपके साइन, और पूरे कोई चाहो तो दोनों लाइन करके नील कर दो, तो साइन भी आपके यहाँ ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये तब ज़रूरी है जब आप ये कर रहे हैं, फिर भी हस्ताक्षर तो करके नील कर देना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हस्ताक्षर वाली कमी नहीं रहनी चाहिए, आपके ऑटोग्राफ मांग रही है RPSC, तो उसमें कंजूसी क्यों। ठीक है, अब परिनिरीक्षा टिप्पणी कार्यालय उपयोग के लिए है, अंतिम तिथि ठीक है, प्राप्त हो गया क्या, मेरिट क्रमांक क्या है। अब देखो वो क्या चेक करेंगे, देखो क्या आवेदन पत्र सब हस्ताक्षरित और पूर्ण प्रविष्टियों से प्राप्त हुआ, हाँ या नहीं। ठीक है, क्या 2 फोटो निर्देश चिपकाए हुए हैं, 2 फोटो का कॉलम कहाँ था इसमें, अच्छा 2 फोटो, एक तो पहले वाले पर्ते में, एक दूसरे वाले पर्ते में, तो हाँ। क्या आवेदक भरी गई श्रेणी तो पात्र है, हाँ। शैक्षणिक योग्यता पूरी कर ली, हाँ। क्या आवेदन वांछित अनुभव रखता है, हाँ। आयु सीमा में है, हाँ। ठीक है, तो जो भी हो वो अगले अपने हिसाब से हाँ कर देंगे अगर आप है तो। आयु सीमा में अगर आप नहीं हैं, छूट जाने का कारण, तो आपने वहाँ कारण पहले टिक किया है, तो वो अगला लिख देगा यहाँ पे कि वो OBC है, SC है, महिला है, ST है, जो भी है, अभिशंसा। अब वो अभिशंसा करेंगे कि अनुमत किया जाए कि भाई इसका फॉर्म सही है कि हाँ, और निम्न कारणों से जो इसको अपात्र किया जा रहा है, तो वहाँ वो कारण लिखेगा। ऐसा नहीं कि सीधा फॉर्म फाड़ के फेंक दिया, कारण लिखा जाएगा कि भी अगले बंदे ने हस्ताक्षर नहीं किए थे, या अगले बंदे ने डॉक्यूमेंट नहीं भेजे, एक भी फॉर्म ही नहीं भेजा, या फॉर्म लेट भेजा, तो वो जो भी है,
तो यहाँ उसके हस्ताक्षर होंगे लिपिक के, ठीक है। तो ये आपको इसमें छेड़ना नहीं है। अब देखो ये है, इसमें थोड़ा विद्यार्थी काफ़ी कठिन होते हैं। अच्छा, एक फ़ोटो आपकी ये है यहाँ, तो दो इसमें, दो उसमें, चार फ़ोटो ज़रूरत पड़ेगी आपको ना। वो तो आप देख लें, जहाँ फ़ोटो का कॉलम हो वहाँ चिपका देना फ़ोटो, और क्या। तो अब देखो इसमें आपको क्या करना है, ये वेरिफिकेशन पुलिस डिपार्टमेंट करती है, ब्लॉक कैपिटल लेटर, ठीक है। ए बी सी डी, पहली ए बी सी डी में लिखना आपको नाम सरनेम, जैसे मान लीजिए रमेश कुमार चौधरी सैनी, तो यहाँ सरनेम वो आ जाएगा, रोल नंबर मेरिट नंबर, प्रेजेंट एड्रेस आपको लिखना है, अभी आप जहाँ रह रहे हैं, होम एड्रेस वो आपका घर का परमानेंट एड्रेस वो लिखना है, दोनों सेम है तो डू कर देना। पर्टिकुलर ऑफ प्लेस, अब मान लीजिए आप किराए पर रह रहे हैं, छोड़ने वाले हैं, तो फिर आप उस प्रेजेंट एड्रेस को मत लिखना भले ही, वो आपके ऊपर निर्भर है कि आपकी क्या, किस हिसाब से आप कहाँ वो कोई मंगवाना चाहते हैं, आरपीएससी से पत्राचार करना चाहते हैं। अब देखो, अगर आप पिछले मोर वन ईयर, एक साल से, अगर आप कहीं पिछले 5 सालों में, आप एक साल से ज़्यादा कहीं रुके हैं पिछले 5 सालों में, यानी 2015 से 20 के बीच, अगर आप एक साल या उससे ज़्यादा कहीं रुके हैं, तो उसका यहाँ आपको डिटेल देनी है। अब आप अपने घर पे रहे हैं तो घर का लिख दो, और अगर आप मान लीजिए बीच में जयपुर गए, एक साल कोचिंग लिया आपने, सीकर गए, कोटा गए, कहीं भी गए, उसका लिख दो। कहीं नहीं गए तो घर का लिख दो, जहाँ से आप रह रहे हैं 5 सालों से वो लिख दो। 5 सालों में 2-3 जगह गए तो 2-3 जगह का शॉर्ट में एड्रेस लिख दो, कहाँ एक एक साल रुके हैं, ये नहीं कि गए एक दिन गए या एक महीना गए, नहीं, एक साल अगर रुके हैं कहीं तो, क्योंकि एक साल की एक लंबी अवधि होती है, कल को कोई अपराध कर दिया हो क्या पता, तो पुलिस तो उस हिसाब से देखती है ना आपको। फादर डिटेल, पिता का नाम, उनका एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, प्रोफेशन क्या काम करते हैं, सर्विस में तो वो लिखना है, नेशनलिटी अपने आप भरी हुई है इंडियन। अब अगर आप महिला है तो आपके हस्बैंड का यहाँ प्लेस ऑफ बर्थ लिख दो, उनका जन्म कहाँ हुआ। आप खुद हस्बैंड है तो आपकी वाइफ का यहाँ लिख दो सामने, ठीक है, ऊपर वाले में डैश लगा दो, और अनमेरिड है तो दोनों से ही फ्री हो आप। डेट ऑफ बर्थ आपको अपनी लिखनी है, ठीक है, यहाँ पे 7 नंबर कॉलम में। प्रेजेंट एज ऑन 8 टाइम्स नॉर्म, यानी अब आज की तिथि में क्या आयु आपकी, यानी आज की तिथि का मतलब जो एड में बता रखी थी, यानी वही 1/1/2020-21 जो भी आती है, तो वो आपने ऊपर निकाल रखी है, वही लिखनी है। एज एट मेट्रिकुलेशन, 10वीं की मार्कशीट है उसमें आपके क्या है, तो ये वाली और ये वाली सेम ही आएगी, डेट ऑफ बर्थ और यानी ये 7वें में ए और 8वें का 7वें का सी, दोनों सेम आएंगे, और ये बी है वो आपको कितने साल के हो रहे हैं, भी 25 साल 4 महीने 10 दिन, इसमें मान लो 10 दिन 9 दिन में कोई एक आधा दिन ऊपर नीचे आए ना, तो इतना कोई लफड़ा नहीं है। लफड़ा कब है, जब आप ओवरेज हो रहे हैं, तब वो एक दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, तो उस समय आपको बहुत सावधानी से निकालना है, महीना 30 का था कि 31 का था, इस हिसाब से। प्लेस ऑफ बर्थ ये आपको लिखना है, आपका जन्म कहाँ हुआ। अब जन्म हो सकता है जिस गांव के वहीं हुआ, हो सकता है आपका दूसरे राज्य में हो, तो जहाँ भी हुआ लिख देना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, स्टेट कौन सा है, अब दिक्कत जो है ये कि आपने कहीं फर्जीवाड़ा कर रखा है तो दिक्कत हो सकती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, स्टेट योर रिलीजन, यानी कहाँ, जो राज्य जहाँ के आप मूल निवासी है, और क्या आप एस सी शेड्यूल कास्ट या एस टी है तो यस कर दो, ठीक है, और राज्य का नाम लिख दो अगर आप, और नहीं है तो नो कर दो, ठीक है। अब ये आपके हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसमें विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं ज़्यादा, यानी आपने पिछले 15 सालों में जो पढ़ाई की है उसकी डिटेल आपको यहाँ देनी है। मान लीजिए आप 2020 अब भर रहे हैं, तो 2005 के बाद, तो ज़्यादातर आप 10वीं 12वीं BA BEd MA इतना लिख सकते हैं। अब आप BHTC करके कहीं लग रहे हैं तो ये भरवाएंगे नहीं आपसे, BA करके कॉलेज करके लग रहे हैं, BSc करके सेकंड ग्रेड, तो आप 8वीं से भी लिख सकते हैं, मगर 8वीं की डिटेल तो मिलती नहीं है आजकल। अब जैसे आजकल अगर बोर्ड किया है तो भले ही रखते हैं, बाकी पहले कौन प्रमाण पत्र 8वीं का रखता था, मेरे पास भी नहीं है 8वीं का, तो 9th का भी नहीं है, 10वीं का है। तो आप जैसे 10वीं का लिख दे सीधा, यहाँ स्कूल का नाम लिख दिया शॉर्ट में, गाँव लिख दिया, जिला लिख दिया, पिन कोड लिख दिए, स्कूल में प्रवेश कब लिया, तो अब आपने पहले में लिया, 6ठे में लिया, 7वीं में लिया, ये तो आपको इतना याद होगा उस स्कूल में कब लिया आपने, यानी किस साल में लिया। तो अब तारीख याद नहीं रहेगी, और तारीख कैसे पता करेंगे, तो देखो ज़्यादातर 1 जुलाई में एडमिशन होते हैं, तो 1 जुलाई आप इसमें लिख सकते हैं, या सीधा डेट पूछिए ना, तो 1 जुलाई मान लीजिए आपने 2005 लिख दिया, फिर वो स्कूल आपने छोड़ी कब, 10वीं करके छोड़ दी, 11वीं करके, 12वीं करके, तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, तो 30 जून लगभग स्कूलें
बंद हो जाती है 15, छुट्टियां कब हो जाती है, 15 मई, तो 15 मई आप लिख सकते हैं, 15 मई 2007। पास क्या किया आपने, क्लास 10, ठीक है। एड्रेस, अब अगले में 12वीं भी आपने उसी स्कूल से की, तो डू कर दो तारीखें। एडमिशन 12वीं में आपका 10वीं के 2 साल बाद हुआ, छोड़ी कब, कॉलेज में गए तो छोड़ दी स्कूल, तो वही 15 मई कर दो, लगभग 15 मई को छुट्टियाँ हो जाती हैं, ठीक है। इसमें वो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत अगर स्कूल के दौरान आपने को लफड़ा कर रखा है तब आपको पूरी तारीख वारी के जो है उसमें कोई केस मुकदमा का कोई मैटर था तो आपको विशेष ध्यान रखना है। बाकी अब एडमिशन की तारीख तो आपको स्कूल के SR में मिलेगी, वो कौन देगा अब आपको, तो एग्जामिनेशन पास्ड ये हो जाएगा, ठीक है। या हो सकता है आपकी TC पड़ी हो कहीं सुरक्षित, उसमें मिल जाएगी। बाकी आप, मैंने बताया इस तरह से आप जुलाई और वो जून कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एड्रेस, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, ये क्या है, ये कॉलेज, जैसे आपने कॉलेज कहाँ से की उसका लिख देना। BEd कहाँ से की, अब देखो तारीख तो दोस्तों याद थोड़ी रहती है, नया कहीं लिखी होती है, तो वही एक फॉर्मेट होगा, एक अनुमानित जून जुलाई और कब आपने छोड़ी, तो परीक्षा कब हुई लगभग अनुमानित मई जून, तो तारीख नहीं तो आप केवल जून 2000 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हो गया, फिर इसमें BEd का या कोई एक दो और डिग्री, रेगुलर जैसे BEd करते हैं तो BEd का हो जाएगा, प्राइवेट भी के तो प्राइवेट का लिख देना, MA वगैरह प्राइवेट का हो जाएगा, ठीक है। इफ़ यू हैव एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो डिटेल लिख दो, और आपने कोर्ट से कोई लफड़ा हुआ है मान लीजिए कोई, तो आप यहाँ लिख देना, नहीं तो नो कर देना, ठीक है। और दो रेस्पॉन्सिबल पर्सन यानी जिम्मेदार व्यक्तियों के दो के आपको यहाँ नाम लिखना है और शॉर्ट में उनका एड्रेस लिखना है। तो यहाँ आप कोई गवर्नमेंट कर्मचारी है या मान लीजिए आपके मोहल्ले का पार्षद है, वार्ड पंच है, सरपंच है, या कोई व्यवसायी है, कोई दुकानदार है, GST वगैरह कोई अप्लाई कर, ऐसा कोई यानी प्रतिष्ठित व्यक्ति ऐसा, तो उन दो के आप नाम लिख दो, जिनको आप जानते हो वो आपको जानते हैं, उनके नाम आप लिख देना, थोड़ा सा एड्रेस लिख देना। अब यहाँ आपको डेट और प्लेस करके यहाँ सिग्नेचर करने हैं आपको, और यहाँ आपको गजेटेड ऑफिसर के या जैसे MLA के या कोई और समकक्ष, तो लगभग लेक्चरर जो इसमें करते हैं करीब कर दिया मैंने अभी पोस्टिंग के बाद 2 सालों में 10-15 लोगों के शायद कर दिए, क्योंकि हो जाता है किसी का LDC में, किसी का किसी में तो आ जाते हैं, तो हम तो दुआ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आए हमारे पास, ठीक है। तो ये जो है डेजिग्नेशन, यहाँ वो अगला यहाँ करेगा, जो जिसके पास आप गए वो अगला यहाँ मोर ओर लगाएगा, यहाँ आपको या भी अगला लिख देगा, ये आप लिख सकते हो अपना शुद्ध नाम और लास्ट कितने सालों से वो आपको जानते हैं, इसका भी कोई रूल नहीं है इसमें, देखो यहाँ ऑप्शन में मंथ भी दे रखा है, तो अगर मान लीजिए कुछ ही महीने से जान रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगले को भरोसा है कि भाई ये इसका चरित्र अच्छा है, किसी से पूछ लिया कि हाँ भाई ये कैसा है कि ठीक है, तो वो एक जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। और आपको भी सही बताना चाहिए कि क्या स्थिति है। तो अब इसकी भी कितनी प्रति, 2 प्रति, तो आपको पहले ही 2 फोटोकॉपी 2 सेट रखने हैं, और आपके अंक तालिकाओं के भी 2 सेट रखने हैं, ठीक है। केवल पोस्टल ऑर्डर 1 और 1 उसकी फोटोकॉपी, ठीक है। तो ये पूरे सेट तैयार करके और दोनों के दोनों RPSC आपको भेजने हैं, और आप अपने पास सुरक्षा के लिए कि भाई मैंने RPSC को भेजे हैं, सबूत क्या है मेरे पास, तो आप इस भरे हुए फॉर्म की फोटोकॉपी रख सकते हो, और उसके अलावा आपके पास सबूत रहेगा जो रजिस्टर्ड डाक होती है ना, तो आपको पोस्ट ऑफिस वाले आपको देंगे एक छोटी सी पर्ची स्लिप, वो आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रजिस्टर्ड डाक हमेशा या तो अगला रिसीव करेगा या फिर आपके पास वापस आएगी आपके घर, तो एक सबसे बड़ा जो सबूत है उसका। तो अभी यातायात के साधनों की दिक्कत है तो आप रजिस्टर से भेज सकते हैं, मगर डेट से बहुत पहले भेज दें आप दोस्तों। तो ये वीडियो देख के आप फॉर्म भर लें आराम से, धीरे धीरे रोक रोक के डिस्क्रिप्शन से इसको लोड कर लें, या फिर आप कंप्यूटर से या ई मित्र वाले से प्रिंट आउट करवा लें, और कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, ये जानकारी मेरे ख्याल से आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।